नमस्कार दोस्तों, ड्रीम लाइफ ब्लॉग्स इंडिया चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं नवी मुंबई के सीबीडी बेलापुर से उनवे पावन डोंगरी रेलवे स्टेशन तक मैं लोकल ट्रेन से सफ़र कर रहा हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोग को इस वीडियो में लोकल ट्रेन से सफ़र करने जा रहा हूं। दोस्तों, ये है बेलापुर सीबीडी रेलवे स्टेशन, जो कि ट्रेन बामन डोंगरी स्टेशन के लिए सीबीडी बेलापुर से निकल चुकी है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन दोस्तों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल का सपोर्ट करिए। तो दोस्तों, अभी ये ट्रेन हमारी बेलापुर से निकल चुकी है। दोस्तों, ये जो ब्रिज है ये है पाम बीच से होके और पुणे एक्सप्रेस हाईवे में कनेक्ट होता है। ये वासी से पाम बीच रोड जो आता है उसे बाईपास किया गया है। और दोस्तों, ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो ये बेलापुर का सेक्टर 19 का एरिया है। और ये दोस्तों पब्लिक ब्रिज है, जो कि इस साइड से उस साइड पब्लिक को आने जाने के लिए बनाया गया है। और ये दोस्तों अभी जो आप देख रहे हो ये है बेलापुर का टनल, जो कि इसके अंदर से ट्रेन गुजरती है। और हम लोग जो है इस समय ट्रेन में इस टनल के अंदर से गुजर रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा फील होता है जब कोई ट्रेन किसी टनल के अंदर से गुजरती है। तो दोस्तों, जो ट्रेन लवर हैं उन्हें तो बहुत ही अच्छा लगता होगा, उन्हें बहुत अच्छा लगता है ट्रेन से सफ़र करना, ट्रेन का वीडियो देखना। ये ट्रेन दोस्तों उरन तक जाती है, लेकिन हम आज सिर्फ बामन डोंगरी स्टेशन तक सफ़र करेंगे। और बीच में जो भी दिखेगा उसके बारे में मैं दोस्तों आप लोग को बताऊंगा। दोस्तों, ये जो सामने ब्रिज दिख रहा है ये दोस्तों बेलापुर उरन रोड है। ये दोस्तों जो नेरुल साइड से मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे है उससे रोड आया हुआ है और गया है उरन में कनेक्ट किया गया है। और दोस्तों, ये देखिए कितना बेहतरीन नज़ारा है, ट्रेन जाते हुए कितना अच्छा सुंदर लग रहा है। जो ट्रेन लवर हैं दोस्तों उन्हें तो बहुत ही अच्छा लगता होगा इस वीडियो में। और ये दोस्तों देखिए, ये नवी मुंबई का एनएमसी हेड ऑफिस है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, कितना प्यारा तिरंगा लग रहा है, हमारा ध्वज सबसे प्यारा। और ये दोस्तों नवी मुंबई एनएमसी हेड ऑफिस है, जो ये बेलापुर में स्थित है। बहुत ही अच्छा नज़ारा है दोस्तों, कितना सुंदर हमारा तिरंगा फहर रहा है। लहर लहर लहराई हो मोर प्यारा तिरंगा। दोस्तों, सबसे अच्छा हिंदुस्तान की शान है, हिंदुस्तानियों की शान है दोस्तों ये तिरंगा।
तो दोस्तों एक बार फिर आप लोग से कहता हूँ कि अगर आप लोग ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ड्रीम लाइफ ब्लॉग्स इंडिया चैनल को, तो सो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट भी कर दीजिए दोस्तों। दोस्तों ये पाम बीच रोड है, ये वासी से और बेलापुर तक पाम बीच रोड है, जो इसके पहले आप लोग को मैंने दिखाया था कि ये ब्रिज है जो पुणे एक्सप्रेस हाईवे में कनेक्ट हुआ है, बाईपास हुआ है वासी से, तो ये वही ब्रिज था दोस्तों। ये रोड सीधा वहाँ पे जाके ब्रिज से एक्सप्रेस हाईवे में कनेक्ट हुआ है। और ये दोस्तों रेलवे ब्रिज है जो उलवे में कनेक्ट किया गया है। और ये ब्रिज दोस्तों पनवेल क्रीक के ऊपर से बनाया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये दोस्तों देखिए यहाँ पे बोट खड़ी हुई है। और वो सामने दोस्तों देखिए जो ये देख रहे हैं आप, ब्रिज जो ये बना हुआ है, ये बेलापुर से पुरन पनवेल को कनेक्ट करता है ये ब्रिज, और उलवे भी इसी ब्रिज से जाते हैं। और ये दोस्तों रेती बंदर है, बेलापुर का रेती बंदर। और दोस्तों जो आप लोग सामने वहाँ पे देख रहे हैं, ये जो जय कुमार का जो अभी उलवे में कोस्टल रोड बनने वाला है, कोस्टल प्रोजेक्ट बनने वाला है, उसका यहाँ पे सभी स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है ब्रिज का, देखिए। और वो सामने जो देखिए रोड के उस साइड आप लोग देख रहे हैं, वहाँ पे नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों उलवे को सिडको ने डेवलप किया है और बहुत तेजी के साथ दोस्तों डेवलप किया। और ये दोस्तों जो स्टेशन आ रहा है देखिए, अभी तो ये स्टेशन में सर्विस शुरू नहीं है, ये तारघर स्टेशन है दोस्तों। उलवे के अंदर तीन स्टेशन हैं, लोकल ट्रेन के तीन स्टेशन है, तारघर है, बामन डोंगरी है और खारकोपर है दोस्तों। उलवे के अंदर तीन स्टेशन दिया गया है। अभी दोस्तों तारघर स्टेशन को चालू नहीं किया गया है, बामन डोंगरी और खारकोपर ये दोनों स्टेशन चालू है। और ये सामने जो देख रहे हो दोस्तों, ये जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं वो सब दोस्तों उलवा सिटी है, उलवे सिटी में अभी हम लोग एंटर हो गए हैं दोस्तों। उलवे को बहुत तेजी के साथ सिडको ने डेवलप किया और दोस्तों उलवे सिटी के अंदर आप देखेंगे मेडिकल, स्कूल, किस हर एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो दोस्त मुंबई में रहते हैं, नवी मुंबई में रहते हैं, वो दोस्त आके उलवे को ज़रूर विजिट करिए। सो दोस्तों प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ड्रीम लाइफ ब्लॉग्स इंडिया चैनल को। और दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों यहाँ पे स्कूल बहुत हैं, मेडिकल बहुत हैं, हर एक चीज़ की सुविधा यहाँ पे उलवे के अंदर उपलब्ध है। और दोस्तों ये देखिए रेड क्लिप स्कूल है।
दोस्तों अभी ये सामने आप लोग देख रहे हैं, ये जो स्टेशन आने वाला है बावन डोंगरी स्टेशन है। तो दोस्तों आज हम सिर्फ बावन डोंगरी स्टेशन तक ही ट्रैवल करेंगे, सफ़र करेंगे इस ट्रेन से। और ये दोस्तों इस ट्रेन को हम छोड़ देंगे, ये ट्रेन चली जाएगी खारकोपर होते हुए उरन स्टेशन। और हम लोग दोस्तों बावन डोंगरी स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और ब्लॉग में। सो प्लीज़ दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।